उसका विरोध करते हैं। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, अगर आज नहीं हम जागे तो फिर कब जाते हैं। पाकिस्तान में 23% से घटके 4% से 4% से भी नीचे आ गए हैं, और वहां पर हर प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं, सिखों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हर रोज अत्याचार हो रहे हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि हमने कभी भी अपनी जो है ताकत जताई नहीं किसी को, आज समय है कि सनातन से उठते हुए जो भी धर्म है एक होकर, एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास कराएं कि हम एक हैं। और हम अपने जितने भी विदेशों में बसे हुए हिंदू हैं, सिख हैं, या बौद्ध हैं, या जैनी हैं, उनका हम पूरे का पूरा सम्मान कर सकते हैं, उनका हम ध्यान रख सकते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भारत। धन्यवाद। अब हमारा मतलब नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बहुत रहते हैं विदेशों में अत्याचार, हमारी महिलाओं बहनों पर अत्याचार बंद करो। भारत सरकार से फिर से मांग कर रहे हैं, ये समय आ गया है। और हमने ये देखा कल भी भारत सरकार की ओर से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से, जवाबदारों की ओर से प्रतिक्रिया हो, और उनके